स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बच्चों, आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस को के रूल्स को बताऊंगा कि अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है और उसका ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में करना होता है तो हम सबसे पहले किस रूल को फॉलो करते हैं, तो आज हम इसको सीखेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और स्किप करके मत जाएं। देखिए, हमारा जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल लैंग्वेज, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं रहूंगा, मैं उठूंगा, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें ना तो क्या का प्रयोग होता है ना तो नहीं का प्रयोग होता है, एकदम सिंपल भाषा में सेंटेंस होता है, ऐसे ही सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। और इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले यह है कि सब्जेक्ट आई और बी, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब जो है शैल का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना, केवल आई और बी के साथ शैल लगेगा, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड अगर कोई बचता है तो उसका यूज किया जाएगा। ठीक है, आई बी के साथ में सेल लगेगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज किया जाएगा। दूसरा, अगर सब्जेक्ट आपका अदर में है, आई बी को छोड़ करके अदर जितने भी है, ही सी इट सारे आई बी को छोड़ करके, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होगा विल लग जाएगा। क्या लगेगा? विल। बाकी सारे रूल्स सेम आ जाएंगे, मतलब कोई बदलाव नहीं, केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंज होता है, आई बी के साथ सेल लगेगा, अदर सब्जेक्ट के साथ या नाउन के साथ में विल का प्रयोग किया जाएगा। और यही सबसे रूल है। एग्जांपल में देखें, जैसे पहला है, मैं अपने घर जाऊंगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अपने घर जाऊंगा तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना जरूरी है कि ये जो होता है ये सब्जेक्ट होता है और ये मेन वर्ब होता है और बाकी ये जो बचा है ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसके हिसाब से ही हम इसकी चेंजिंग करेंगे। और चेंजिंग करेंगे, देखिए इसमें क्या, मैं अपने घर जाऊंगा, हमने बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं के लिए इंग्लिश में यूज होगा आई, और आई के साथ क्या लगता है, सैल, तो ये आई सैल हो गया। अब जाना का इंग्लिश गो होता है, गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगा, तो आई सैल गो। कहाँ जाऊंगा? अपने घर, तो टू अपने के लिए, आई के लिए माई लगता है और माई होम। आया समझ में बच्चों? मैं अपने घर जाऊंगा, मैं जाऊंगा अपने घर, मैं जाऊंगा अपने घर, आई शैल गो टू माई होम, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, वह पत्र लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, तो ही और अदर के लिए आई बी को छोड़कर क्या लगेगा, विल, तो ही विल, ही विल क्या करेगा, लिखेगा, लिखने का राइट होता है, तो ही विल राइट, सेंटेंस हो गया कंप्लीट। तीसरा, तुम अपना पाठ याद करोगे, देखिए यू सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हो गया, यू विल
यू विल याद करना का लर्न, तो यू विल लर्न क्या याद करोगे, अपना पार्ट, यू के लिए अपने के लिए योर लग जाएगा, योर लेसन, ठीक आ रहा है समझ बच्चों। सिंपल से सेंटेंस है और सिंपल सा रूल है, केवल आपको याद होना चाहिए। अगर इस रूल को समझ में आ गया तो आप इस तरह के किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो। चौथा आप देखो, वह अपने पिता के साथ गांव जाएगा। ठीक है, वह अपने पिता के साथ गांव जाएगा। वह ही और ही के साथ में हमेशा विल लगेगा, तो ही विल गो जाएगा। वह जाएगा कहाँ, गांव, वह जाएगा गांव किसके, अपने पिता के साथ। वह जाएगा ही गो कहाँ, ही विल गो टू विलेज। वह जाएगा गांव, ही विल गो टू विलेज किसके साथ, विद हिज फादर अपने पिता के साथ, विद हिज फादर। ठीक है, राधा आज तालाब में स्नान करेगी। ठीक, अब यहां देखें, राधा स्नान करेगी कहां, तालाब में आज। ठीक है, तो ये हो गया राधा बिल बात। राधा स्नान करेगी आज तालाब में, तो राधा बिल बात टूडे इन द पॉन्ड, इन द पॉन्ड, राधा तालाब में आज स्नान करेगी। छठा, ठीक है, अब सेंटेंस को देखो, तुम अपने भाई की मदद करोगे। ठीक है, तुम मदद करोगे अपने भाई की, यू विल हेल्प, तुम मदद करोगे अपने भाई, योर ब्रदर। ठीक है, हम आज पार्क में क्रिकेट खेलेंगे, पार्क में क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, हम खेलेंगे क्रिकेट कब, आज और कहाँ, पार्क में, ये इतने हैं। हम आज क्रिकेट खेलेंगे, तो आज हम, तो हम खेलेंगे क्रिकेट पार्क में आज। ठीक है, तो वी, अब बी के साथ में शैल लगेगा, वी शैल प्ले क्या, क्रिकेट, वी शैल क्रिकेट टुडे, लास्ट में भी टुडे लगाया जा सकता है, वी शैल प्ले क्रिकेट इन द पार्क टुडे, या वी शैल प्ले क्रिकेट टुडे इन द पार्क, वी शैल प्ले टुडे इन द पार्क, इन द
पार्क। तो बच्चों टुडे को लास्ट में भी लगा सकता है, टुडे को आगे भी लगा सकता है, टुडे वी शैल प्ले क्रिकेट इन द पार्क, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और टुडे वी शैल प्ले क्रिकेट इन द पार्क। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंसों को हम आसानी से देखिए। सेंटेंस है मेरा भाई कल जयपुर से आएगा, मेरा भाई ये सब्जेक्ट हो गया, आएगा मेन वर्ब हो गया, कहाँ से आएगा जयपुर से, और कब आएगा कल। ठीक है, अब यहाँ कल फ्यूचर के लिए भी होगा, तो अगर पास्ट के लिए होता है तो यस्टरडे आता है, फ्यूचर के लिए टुमारो आएगा। तो माई ब्रदर, अब ब्रदर के साथ क्या लगेगा, बिल, माई ब्रदर बिल कम टुमारो, माई ब्रदर विल कम टुमारो फ्रॉम जयपुर, कहाँ से, जयपुर से। ठीक, मेरा भाई कल जयपुर से आएगा, माई ब्रदर विल कम टुमारो फ्रॉम जयपुर, मेरा भाई आएगा कल जयपुर से। तुम कल स्कूल बस से जाओगे, यहाँ पर यह है कि तुम जाओगे कहाँ, स्कूल बस से और कल, ये संख्या सीखने बनेंगे, तुम जाओगे कल स्कूल बस से, तो यू विल गो, तुम जाओगे कहाँ, टू स्कूल, टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल ठीक है, यू विल गो टू स्कूल बाय बस टुमारो, इसमें भी यू विल कम, माई ब्रदर विल कम फ्रॉम जयपुर टुमारो, यहाँ से भी इसको इसके बजाय यहाँ इस तरह से भी ले सकते हो, माई ब्रदर विल कम फ्रॉम जयपुर टुमारो। ठीक है, टाइम पॉइंट है ये, और दसवां है, मैं कल अपनी परीक्षा देने जाऊंगा, या कल मैं अपनी परीक्षा दूंगा, दोनों मतलब होगा। आई सेल, अब आई के साथ सेल लगता है, आई सेल गिव माई एग्जाम, गिव मैंने देना होता है, आई सेल गिव माई एग्जाम, मैं यहाँ जाऊंगा या दूंगा, आई विल गो, आई शैल गो टू गिव, आई शैल गो टू गिव देने के लिए, या देने के लिए, आई शैल गो टू गिव माई एग्जाम, कब, कल टुमारो। ठीक, राधा आज अपने
कपड़े धोएगी। राधा आज अपने कपड़े धोएगी। तो राधा, अब यहाँ राधा ये सेंटेंस, राधा धोएगी अपने कपड़े आज, तो इसको लिख सकते हैं टुडे राधा विल, टुडे राधा विल वॉश, वॉश अपने कपड़े धोएगी, और लेडीज है इसलिए हर लग जाएगा, हर क्लोथ्स, ठीक। बच्चे छत पर आज पतंग उड़ाएंगे, ठीक है। तो यह है चिल्ड्रंस, द चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस विल फ्लाई, उड़ाना, बच्चे उड़ाएंगे, द चिल्ड्रंस विल फ्लाई, क्या उड़ाएंगे, पतंग, ए काइट, कहाँ उड़ाएंगे, छत पर, ऑन द रूफ, और कब उड़ाएंगे, टुडे आज, टुडे को यहाँ पर देखिए बच्चों, राधा अपने कपड़े धोएगी, तो टुडे राधा विल वॉश हर क्लोथ्स, यहाँ पर राधा धोएगी अपने कपड़े आज, तो टुडे राधा विल वॉश हर क्लोथ्स, टुडे आगे या लास्ट में भी लगाया जा सकता, बच्चे छत पर आज पतंग उड़ाएंगे, द चिल्ड्रंस विल फ्लाई ए काइट ऑन द रूफ टुडे, बच्चे उड़ाएंगे पतंग छत पर आज, अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ाएंगे, द टीचर विल टीच मैथ टू द स्टूडेंट्स, धोबी नदी में कपड़ों को धोएगा, द वाशरमैन विल वॉश क्लोथ्स इन द रिवर, धोबी नदी में कपड़ों को धोएगा, मैं आज अपने पिता को पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर टू माय फादर टुडे, तो आर टुडे आई शैल राइट ए लेटर टू माय फादर, तो आई होप आप इस सबको समझ गए होंगे, तो आप सभी लोग इसको अच्छी रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, खुद सेंटेंस बनाएं उसकी प्रैक्टिस करें, और सभी वर्ड की मीनिंग, प्रीपोजिशंस, प्रोनाउन, मेन वर्ड की मीनिंग को याद करें, और अन्य ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड की मीनिंग याद करें, जिससे आपको आसानी होगी, आप ट्रांसलेशन कर सकेंगे और इंग्लिश ग्रामर को करेक्शन कर सकते हैं, साथ में स्पीकिंग को भी आप कर सकेंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो आई होप आप सभी लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।